इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट में हम लोगों ने एक एक करके पांच फॉर्म्स को बारी बारी से बताया है, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो लोग पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके लिमिट, बाइनोमियल, वेक्टर, ऐसे पूरा पूरा कोर्स के कॉन्सेप्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं। लिमिट के बिल्कुल लास्ट, आज लास्ट फॉर्म पे इंट्रोडक्शन देंगे और उस पर बात करेंगे। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि सात फॉर्म है, हम लोग बारी बारी से एक एक करके एक एक फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी ज़ीरो की पावर ज़ीरो और इन्फिनिटी की पावर ज़ीरो के बारे में है। उस इन सारे फॉर्म्स को क्वेश्चंस के सहारे हम लोग समझेंगे। जिस क्वेश्चंस को हमने लिया है, जिस तरीके से ये क्वेश्चंस लगेगा उसी तरीके से लगभग सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे हमने बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन लिया है बेसिक एज ए बिगिनिंग के लिए, और हम बताते चलें आपको कि यहाँ पर जो भी लेक्चर दिए जा रहे हैं, जो एज ए कोर्स वर्क प्रॉपरली आराम से समझने के लिए बिगनिंग लेवल पर पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिया, ज़ीरो अप्लाई करेंगे। तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो फॉर्म में है, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ बेस वाई लिया, लिमिट से इंडिपेंडेंट है लॉग। जब यहाँ लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स लेंगे तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे लॉग ऑफ एक्स की पावर एन, तो एक्स आगे आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ई। अब यहाँ पे देखा जाए ज़ीरो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो लॉग ज़ीरो इन्फिनिटी और इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा डिस्कस किया था हमने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स, क्योंकि ये जानते हैं कि ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसी को ही कन्वर्ट किया गया है। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया। हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या जीरो अपॉन ज़ीरो के फॉर्म में है कोई भी फॉर्म, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आप करिए और नीचे का करिए अलग अलग। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जैसा कि जानते हैं कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस, हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेसिकली। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया वन अपॉन एक्स आया, और डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस वन का करेंगे तो माइनस वन एक्स की पावर माइनस टू आ जाएगा। बेसिकली उसको हम बोलेंगे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक पावर से एक कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एक्स हो जाएगा, इस पर जब लिमिट लगाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप में ध्यान देने वाली बात है, अगर बहुत ही जल्दबाजी अपने की ऑप्शन मान लो ऐसे हैं सपोज़ कि वन ज़ीरो माइनस वन और नन ऑफ दीज, तो हो सकता है जल्दबाजी में आप ज़ीरो ऑप्शन टिक कर दें। जबकि ये ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन था उसमें हमने लॉग लिया हुआ है, तो हम लोग लॉग ऑफ वाई बेस ई बराबर ज़ीरो करेंगे। बताते चलें कि लॉग ऑफ एक्स बेस ए बराबर अगर टी है तो एंटी लॉग लेंगे, तो मतलब इसकी पावर ये करने पर ये आता है ए की पावर टी बराबर एक्स आएगा। तो यहाँ पर भी वाई बराबर ए की पावर ज़ीरो, और ए की पावर ज़ीरो क्या होता है वन, तो वाई बराबर वन, यानी कि आंसर हमारा ज़ीरो नहीं था, आंसर हमारा क्या था वन आंसर था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी वे में हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे भी करेंगे। अब हमने कुछ स्टेप्स को ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, क्योंकि लगभग सिमिलर उसी तरीके से स्टेप हैं, उनको फिर से दोबारा हम बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और रिपीट होने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। बेसिकली बस हम लोग एक बार यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे किया गया। लॉग लिया, लॉग लेना भी बताया गया था कि दोनों तरफ लॉग ले लिया गया, बोथ साइड लॉग लिया गया, तो लॉग ऑफ वाई बेस ही होगा। यहाँ पर लॉग लेने से हमने बताया ही है कि एक प्रॉपर्टी लगती है कि लॉग ऑफ एक्स की पावर एन बेस ए एन ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ए, यानी ये पावर आप आगे ला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पावर ये टेन एक्स आगे आ गया। अब हमने बोला कि ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया, तो ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बताया गया था कि आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या ज़ीरो अपॉन ज़ीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो ना करके लॉग ज़ीरो मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, अप्लाई डी एल हॉस्पिटल लगाया। डी एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन जा रहा है या जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म में जा रहा है, बेसिकली एन आर अपॉन डी आर के फॉर्म में कोई है और वो जीरो अपॉन जीरो और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो आप क्या करिए डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर और डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आप अलग अलग बारी बारी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखा गया लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन आगे जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का वन, तो ऊपर वाले फंक्शन का न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब हम लोग नीचे वाले का कर रहे हैं, तो कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। अब हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स को जब ऊपर ले गए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यार साइन एक्स नीचे आ गया और कॉस एक्स जब काटेंगे तो देखो साइन एक्स स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो ओवरऑल जीरो हो गया। तो लिमिट तब तक लगी रहती है जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए, और जैसे ही हट गई लिमिट इवैल्यूएट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बट हमने बोला कि ध्यान रहे आंसर इसका जीरो नहीं है। क्या करेंगे, लॉग ऑफ वाई बेस ई बराबर जीरो, आप एंटी लॉग ले लीजिए वाई बराबर ई की पावर जीरो दैट इज वन, फिर से अगेन सेम आंसर मिला। चलिए अभी जो भी क्वेश्चन हमने बताया वो जीरो की पावर जीरो फॉर्म में थे, अब एक हम ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा ले रहे हैं जो इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म में होगा, और ये सबसे लास्ट फॉर्म है, यानी कि आप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस, सारे फॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख चुके हैं, उनके जो रूटीन वाले मेथड होते हैं वो हमने बताए हैं। आगे हम लोग कुछ ऐसे तरीके जो प्रॉपरली रूटीन नहीं है, बेसिक वाले नहीं, ट्रिक्स बोल सकते हैं, ऐसा डिस्कस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे लॉग ले लिया, अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वन पावर जीरो की पावर जीरो मतलब इन्फिनिटी की पावर जीरो, तो ये भी इन्फिनिटी की पावर जीरो में और पहले वाले जीरो की पावर जीरो थे, तो लगभग मैंने बोला कि कोई भी अंतर नहीं है, जिस तरीके से जीरो की पावर जीरो है उसी तरीके से इन्फिनिटी की पावर जीरो है, इसलिए दोनों फॉर्म को हम एक साथ डिस्कस कर ले रहे हैं। बस डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग से ये हट जाए कि ये दोनों फॉर्म का अप्रोच एक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लॉग लिया जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये स्टेप आपके सामने, अब हमने इसको उसी तरीके से अब डीएल लगाने के लिए ऐसा अपने अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसा किया, आगे हम लोग डीएल लगाने वाले हैं। डीएल लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन नहीं मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, तो इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर डीएल अप्लाई करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन इसका होगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता, तो अब अगर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ वन बाई एक्स बेस ई का होगा, तो उस वो बोलता है जो भी है उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर वन बाई एक्स है तो वन अपॉन वन बाई एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट रखने वाले हैं, यहाँ एक्स आ गया, बट वन अपॉन एक्स का भी तो होगा आगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया तो इसके साथ साथ वन अपॉन एक्स का भी होगा, तो वन अपॉन एक्स का जैसे यहाँ पे होगा तो वन अपॉन एक्स का जब करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बात समझाई नहीं, हाँ पहले इसका होगा तो ये आ गया, तो डायरेक्ट मैं रख देता हूँ ये बना, ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, तो यहाँ दिखाया गया इसका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो वही कहानी वाई बराबर ई की पावर जीरो दैट इज़ वन। तो दोनों का अप्रोच बिल्कुल सेम है, फॉर्म आप चेक करें ज़ीरो की पावर ज़ीरो, इन्फिनिटी के पावर ज़ीरो अगर आती है तो आप इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए, आसानी से आपका आंसर निकल के आएगा। लास्ट में आप ध्यान रखिए कि ज़ीरो आया है या कुछ भी आया उसका एंटी लॉक लेना है, ठीक। हम लोग अब सारे फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो भी लिमिट का वीडियो डालेंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर होते हैं छूट गए हैं तो ज़रूर उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं कि इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ नाइन दिया गया, एफ डेस नाइन दिया गया फोर, और यहाँ पर लिमिट को हमें इवेल्यूएट करना है, तो अगर लिमिट रखें तो एफ ऑफ नाइन बराबर नाइन है, तो देखेंगे
एफ ऑफ नाइन बराबर नाइन है तो रूट नाइन माइनस थ्री, यहाँ नाइन रूट नाइन और माइनस थ्री, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे? कुछ नहीं करना आपको, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करिए। आप जानते ही हैं कि ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन, बताते चलें कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वन अपॉन टू रूट ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स माइनस थ्री का ज़ीरो, यहाँ पे वन अपॉन टू रूट एक्स का वन माइनस ज़ीरो, ये इससे कैंसिल हुआ, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू नाइन रूट ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। जब आप नाइन अप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ नाइन अपॉन एफ नाइन, एफ नाइन दिया गया है और हमारा यहाँ पे हमने ये छोड़ दिया था एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश नाइन लिमिट अप्लाई करने पे। बेसिकली देखो अब हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि अब हम लोग क्या है कि लास्ट में क्वेश्चंस की वैरायटी देख रहे हैं। अब ये ऑब्वियसली हमें लगता है कि आपको आ रही होंगी चीज़ें, केवल क्या करना है आपको आंसर, अब यहाँ पे दी गई वैल्यू रख देनी है। ये थ्री आएगा रूट ऑफ एफ नाइन दैट इज़ नाइन है तो थ्री आ जाएगा, एफ डैश नाइन क्या है फोर है, आंसर आपको फोर मिल जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का, तो लिमिट में हो सकता है बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाएँ अच्छे लेवल के, एक ऐसा ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा लास्ट में। एक बात बात ध्यान रखनी होगी आपको, हम साइड में बता देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये जो हमने दर्शाए हैं वो रूट्स हैं, क्या हैं, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आप जानते हैं वो क्वाड्रेटिक के बारे में जान रहे होंगे कि उसके दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ दिया गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो हैं अल्फा और बीटा, तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन के फैक्टर होते हैं और इक्वेशन के रूट्स होते हैं, तो इसके ये रूट्स हैं एक्स की वैल्यू जो सेटिस्फाइड करती हैं और इसके फैक्टर होंगे, तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट आप बाहर निकाल लीजिए और जो भी इसके रूट्स थे उसको फैक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, बाकी हम लोग डिटेल में क्वाड्रेटिक में बताएंगे, बट आप ये ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसी बात को हम लोग यहाँ उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, अगर ये एक्सप्रेशन है, हम इक्वेशन ही ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, उसने बोला कि उस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, यहाँ पे हमने बोला हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ए है, यहाँ वन है, यहाँ डायरेक्ट एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, अगर रूट्स अल्फा और बीटा क्लेम किए गए तो इसको आप यहीं से लिख सकते हैं, क्लेम किए गए तो उसने क्लेम किया है कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू अल्फा ई की पावर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखें कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये बताया गया था कि वन होता है, तो यहाँ पर जो एक्स होगा वही एक्स होगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस बीटा का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ये पूरा क्या आ गया वन आ गया, लिमिट जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, सिंपली आप अल्फा माइनस बीटा आंसर टिक कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बस एक प्रॉपर्टी थी वो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आप लगा रहे हो बेसिकली लिमिट और उसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हो, तो अलजेब्रा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैलकुलस या आप जब कोऑर्डिनेट या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे होते हैं जिनको वेटेज आप ज़्यादा देते हैं उसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही रोल है, तो आगे हम लोग उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देंगे, बट पेशेंसली एक एक करके हम लोग टॉपिक अपलोड कर रहे हैं, आप एक एक करके टॉपिक पढ़ते जाइए, भड़बड़ जो मचाना चाहते हैं जो केवल हंगामा करते रहते हैं वो मावला क्लासेस की वीडियोस उनके लिए नहीं है, हम लोग बिल्कुल पेशेंसली बहुत आसानी से जो पूरी साल टाइम देने वाले हैं उन्हीं दो चार अच्छे स्टूडेंट्स पे टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अच्छा होगा, मुझे इस बात पे कोई भी समस्या नहीं है कि हम लोग अगर एफर्ट रियल में कर रहे हैं बहुत सारे रियल में पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।